चलिए छोटे से आग्रह पर शॉर्ट टाइम में आने के आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको जैसा कि परिचय दे दूँ अपना, मेरा नाम प्रकाश बादल है और मैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का शिमला इकाई का प्रधान। आजकल हमारे चुनाव हो रहे हैं, उम्मीद है कि हम राज्य इकाई में भी होंगे। लेकिन मैं एक बहुत आवश्यक मुद्दे पर आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। वो मुद्दा बहुत हमारे प्रोत्साहन से जुड़ा है, हमारे मनोबल से जुड़ा है और हमारे जो काडर के वो उन योद्धाओं से जुड़ा है जो कहीं ना कहीं हमारे वन विभाग को प्रोटेक्ट करने में, प्रोत्साहन करने में उनका योगदान रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैंने दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 2 तारीख को एक राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की गई थी आनंद फानंद में वन विभाग द्वारा, और उसमें कुछ लोगों को पुरस्कार घोषित किए गए थे। और वो मैं आपके ध्यान से ये बताना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय पुरस्कार होते हैं, एक तो उसकी प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐड के जरिए जो है सभी को सूचना होनी चाहिए। और हमारे लगभग 50-60 डिवीज़न हैं पूरे हिमाचल में, हर डिवीज़न तक वो सूचना पहुंचनी चाहिए, फिर आवेदन आने चाहिए, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, एक कमेटी बनती है और वो जो है उत्कृष्ट कार्यों के लिए। नॉर्मली तो हमें सैलरी मिलती है वन विभाग में कार्य करने की, तो हमें तनख्वाह मिलती है, उनको प्रोटेक्ट करने की हमें सैलरीज मिलती है, लेकिन उत्कृष्ट कार्य अगर कोई करता है, आपने जैसे आप लोग जर्नलिज्म के लोग हैं, अगर रिपोर्टिंग तो सब करते हैं उसकी सैलरी मिलती है या जो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उत्कृष्ट जर्नलिज्म होता है तो उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। वैसे ही एक फॉर्मेट हमारे विभाग में भी है, तो उत्कृष्ट कार्य के लिए जो अवार्ड आपको दिए जाने हैं उन अवार्ड में पूरे डिवीजन को जाना चाहिए था। अगर आपको मैं सूची दे दूंगा उसमें 1 साल के लिए 15 लोग हैं, 1 साल के लिए 2 सालों के कोविड की वजह से 2 सालों के इकट्ठे अवार्ड दिए गए हैं और 1 साल के लिए सिर्फ 8 लोग हैं, तो यही पता नहीं कि ये अवार्ड निर्धारित है कि कितने लोगों को देने। जो मेरे पास इनकी नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मेरी जेब में, मैं आपको दूसरी कॉपी दूंगा, उसमें लिखा हुआ है 7-8 किस्म के अवार्ड दिए जाने, तो उसमें कितने लोगों को अवार्ड दिए जाने यही पता नहीं है और कौन कौन सी कैटेगरी को दिए जाने वो क्लियर नहीं है। दूसरी है कि जो हमारा सबसे जो रीढ़ की हड्डी है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो बैकग्राउंड में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे जर्नलिज्म में सब एडिटर की जो डेस्क होती है बैकग्राउंड में आपकी खबरों को सुधारते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं बेसिकली। वन विभाग की रीढ़ की हड्डी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, हमारे क्लर्क्स हैं और उनके साथ जुड़े हुए सेवादार हैं, पीएन हैं, और जो हमारे ड्राइवर है जो जब माफियाओं के की सूचनाएं आती है देर रात की आपने जंगल में जाना है वो गाड़ियां चलाते हैं, हमारे डिजाइनिंग विंग है और हमारे वर्ग के और भी लोग हैं, सबको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। जब हमने इस बारे में ये तफ्तीश की 2 दिनों के अंदर अवार्ड दे दिए गए, आप बताइए राज्य स्तरीय अवार्ड देने के लिए ऐसी क्या जल्दी थी कि आप 2 दिनों में अवार्ड दो। जब मैंने अधिकारियों से पूछा उन्होंने मुझे बताया कि और DFOs ने हमें दिया ही नहीं कोई, तो इसलिए जिनके आवेदन आए उनके ही आवेदन जो है इन्होंने उनको ही अप्रूव कर दिया। अब आप बताइए 60 डिवीजनों में से 5-6 डिवीजन्स के लोगों के आवेदन आए और उन्हीं आवेदनों को जो है वन विभाग ने उन्हीं आवेदनों को पर जो है पुरस्कार दे दिया राज्य स्तरीय। फिर जब हमने इसका विरोध किया हमने सिर्फ इतना कहा था, मांग की थी कि आप इनको फिलहाल ये जल्दबाजी में किया लगता है, आप इन पे कृपया इन आवेदनों को फिलहाल रोक दीजिए और इस पे दोबारा पुनर्चर्चा की जरूरत है, हर डिवीजन से हर विंग से जो है आवेदन आने दीजिए, दोबारा दे देना, हमने रोकने की बात की थी। हम PCCF महोदय से मिले क्योंकि PCCF नहीं थे, वो जा चुके थे, हमें लगा कि सबसे तेज जो अगर ये मैसेज जाएगा तो मीडिया के जरिए जाएगा, एसोसिएशन के प्रधान के नाते मैं मंडी में था, मैंने सुंदरनगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसको रोक दो, उन्होंने रोका नहीं, बल्कि हमारे हॉप साहब का जिनको हम मुखिया कहते हैं वन विभाग के, उनका ये बयान आया कि ये पुरस्कार बहादुरी के लिए नहीं, ये पुरस्कार पौधे लगाने के लिए दिए गए। अब आप मुझे बताइए कि जो बहादुरी का काम करते हैं क्या वो वनों की रक्षा नहीं करते, पहला अधिकार किसका होना चाहिए, पौधा तो आपने लगा दिया उसकी रक्षा कौन करेगा, उनकी उनकी जो इलिसिट फैलिंग जंगलों में हो रही है उसको कौन रोक रहा है। वही बहादुर जो चंबा में बैठा है उसका नाम है सुनील कुमार, हालांकि वो मिनिस्ट्रियल काडर से नहीं है, हमारा बंधु तो है हमारे काडर का, उसकी आंख फट गई। इसी तरह हमारे मिनिस्ट्रियल काडर के भी कई लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उनका एक का भी नाम नहीं है। मिनिस्ट्रियल काडर तो कहते जी पॉलिसी में नहीं है,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए क्यों बनाई गई और ये पॉलिसी एक विंग के लिए क्यों बनाई गई। अभी आप देखेंगे पूरे वाइल्ड लाइफ विंग को दिया गया है, टेरिटोरियल विंग जो हमारा होता है जिसमें असली जंगलों की में जाते हैं लोग, वाइल्ड लाइफ विंग में तो वन्य प्राणी है। अगर पौधे लगाने की मैं अपने मुख्य हॉफ की बात मानूं कि पौधे लगाने के लिए दिया गया, तो आप मुझे बताइए वाइल्ड लाइफ के लोगों को क्यों दिया गया। आप मेरे पास एक अखबार का बयान है, उसमें लिखा है कि पौधे लगाने के लिए अवार्ड दिया गया, तो वाइल्ड लाइफ विंग को क्यों अवार्ड आपने दिया। तो मेरा आपके माध्यम से कहना ये है कि आनन फानन में ये बड़ा सीधा सीधी सी बात है कि जो लोग अधिकारियों की चमचागिरी करते हैं, जो लोग अधिकारियों के करीब है, उनको ही आनन फानन में उनकी उनकी लिस्ट बनाई गई और उनकी लिस्ट बनाकर उनको अवार्ड दिए गए। ये बिल्कुल गलत है और अभी अवार्ड हमारे कहने के बावजूद हमारे मुखिया हमारी बात मानते, फिलहाल रोक देते, हम उनका आदर करते, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमने PCCF का चैनल ख़त्म हो गया, अब हम सेक्रेटरी फॉरेस्ट से मिलेंगे, हम वन मंत्री से मिलेंगे, हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, हम हिमाचल के राज्यपाल महोदय से सभी से मिलेंगे। सब चैनल एग्जॉस्ट करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि अगर ये पुरस्कार वापस रोल बैक नहीं किए गए तो मैं 15 अगस्त से, आप इस डेट को याद रखें जिस दिन लोग आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मैं मिस्ट चैम्बर में झंडा फहराऊंगा, सल्यूट करूंगा इस देश को। और ये मैंने आपके समक्ष, ये मैं एक कपड़ा लाया हूँ, इसको कफन कहते हैं सर, इसका एक टुकड़ा काट के मैं अपने सिर में बांधूंगा और दूसरा बड़ा टुकड़ा मैं अपनी पत्नी को दूंगा कि जिस दिन मेरी अर्थी, जिस दिन मैं मर जाऊं, उस दिन मेरे शरीर पे ये कफन जाएगा, मेरी लाश के ऊपर से ये जो पुरस्कार दिए, या मेरी लाश के मैं आपके सामने ये प्रदर्शित कर रहा हूँ। हम इसको पहाड़ी में, मैं अपर शिमला को हम टाला बोलते हैं, जब आदमी मरता है तो टाला डाला जाता है और इसको कफन कहा जाता है। ये कफन एक टुकड़ा मेरे सिर पे होगा और एक टुकड़ा मेरी पत्नी के पास होगा, मेरे बच्चों के पास होगा। जब मैं मर जाऊंगा तब मैं अनशन से उठूंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा। और अनशन, अब ये बोलते हैं जी अनशन कैसे करेगा, नो वर्क नो पे। मैं ठीक 10 बजे कपड़ा बांध के ऑफिस जाऊंगा, ठीक 5 बजे घर आऊंगा क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। और 5 बजे घर जाऊंगा, अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा, पानी का एक भी घूंट नहीं पीऊंगा जब तक ये अवार्ड रोल बैक नहीं होते। ये मेरी जिद है क्योंकि मेरे काडर के साथ, मेरे मिनिस्टर स्टाफ के लोगों के साथ पॉलिसी नहीं बनाई तो किसका कसूर है, ये उनके साथ अन्याय है। और मेरे फील्ड के लोगों के साथ भी अन्याय है, वो भी हमारे अंग संग है। मैं उनकी एसोसिएशन से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ये आपके हक की बात कर रहा हूँ। मैं अपने हिमाचल प्रदेश वन विभाग के PN को भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़िए, आप लोग भी सेवा करते हैं, आपको भी इग्नोर किया गया है, आपके साथ भी जो है भेदभाव किया गया है। मैं ड्राइवर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स को आह्वान करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़िए, आप भी जब वन माफियाओं के लिए रात रात को उनसे लड़ने के लिए लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है, तो आप लोग उसमें जो है भागीदार होते हैं। मैं ये आग्रह हमारे तकनीकी स्टाफ जो हमारे SDOs हैं, ड्रॉप्समैन हैं, उनसे भी करता हूं कि आप लोग भी वन विभाग के लिए बड़े बड़े डिजाइन्स करते हैं, डिजिटल मैप बनाते हैं, आप लोगों को भी इग्नोर किया गया है। सब लोग, मैं उन लोगों को भी आह्वान करता हूं जिनकी आंखें फटी है, वो लोग, मैंने एक डेट निर्धारित किया, मैंने अपनी, मैं, मेरी बात अगर गलत है, अगर मैं गलत हूँ, मैं अपनी ताकत का हिमाचल प्रदेश के उन एम्प्लॉयज का जिनको इग्नोर किया गया है, जो असली योद्धा है, उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि मैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे PCCF ऑफिस का घेराव करूंगा। और इस घेराव में अगर हिमाचल के चंबा में कोई आदमी है वो भी शिमला आएगा, अगर कोई चपाल में है वो भी शिमला आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे मिनिस्ट्री स्टाफ के लोग, फील्ड स्टाफ के लोग भी मेरा साथ दें इसमें, क्योंकि आपके साथ भी अन्याय हुआ है। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, राजेश है ऊना के फॉरेस्ट गार्ड, क्या आप बताइए पौधा लगाने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था पहले, या जो अवार्ड उसको मिलना चाहिए था जो जंगलों को बचाते। आप पौधा लगाओगे और पीछे से उसमें आग लगा दो और वो आदमी उसी आग को बुझाते बुझाते मर गया, उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, आप बताइए प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए थी। उस आदमी को नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो कोई कागज उसका आ रहा है वो पूरा नहीं हुआ। एक क्लास 4 का आदमी जल गया,
फॉरेस्ट वर्कर, वो भी आग बुझाते जला, उसका कहीं नाम नहीं है। एक होशियार सिंह है जिसको माफियाओं ने टांग दिया, उसकी लाश ऐसे टांग दी थी जैसे हमें कपड़ा टांग देते हैं पेड़ के ऊपर, आज तक उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, उसके नाम से अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। ये कैसी कैसी बंदरबांट है ये? मैं इस बंदरबांट के खिलाफ हूँ, और इस बंदरबांट में मेरा काडर, मिनिस्ट्रियल काडर अगर इन्वॉल्व नहीं किया गया। और मैं एक और आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं, मैं आपको उसमें कई लोग नाम तो ऐसे हैं कि एक ही एक अधिकारी का मैंने नाम देखा, नाम आप पर खुद पढ़ लें, एक ही आदमी को 2 सालों के लिए कंसेक्यूटिवली स्टेट अवार्ड दिया गया है। उनका प्रोफाइल चेक किया जाए कि 2 सालों में लगातार ऐसा क्या कर दिया। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप जानते हैं स्टेट का अवार्ड अगर एक बार मिलता है तो कम से कम 10-15 साल बाद वो रिपीट नहीं होता है। और उसमें चिट्ठी में लिखा है कि स्टेट अवार्ड है, तो एक अधिकारी को 2 बार आपने अवार्ड किस परफॉर्मेंस बेस पे दिया? कितने अधिकारी हैं हमारे और उन्होंने किसी ने एक्सीलेंस नहीं किया? एक आदमी एक्सीलेंस कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामान्य कार्य हैं और जो बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं वो छोड़ दिए गए। तो मैं एक आपको मैंने बताया कि ये रोल बैक होने चाहिए। रोल बैक का मतलब जिन जिन को ये अवार्ड दिए गए, आदेश करे हॉफ महोदय कि ये अवार्ड रोक लगा दी जाती है, जो पैसा इनको दिया जाएगा इसमें 4-5 लाख रुपए सरकार का इन्वॉल्व है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर, सरकारी पैसे को इनको तनख्वाह मिलती है नॉर्मल काम करने के लिए, अगर इन्होंने उत्कृष्टता की है, अगर वो बोलते हैं उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार है तो पहले ये पैसा वापस जमा हो, उसके बाद पूरे हिमाचल के लोगों के नाम आए, उसके बाद इसमें जेन्यून लोग भी हैं, मैं आपको बताऊँ कुछ लोग जेन्यून भी है। मैं उन जेन्यून लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, आपके पूरे 2500, 3000, 4000, 5000 एम्प्लॉय है, अगर आपको लगता है कि कुछ जेन्युइन लोग भी इसमें इग्नोर हुए, मैं सच बोल रहा हूँ, तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप जो है उन पुरस्कारों को खुद लौटा दें, आपका मान बढ़ेगा, वापस कर दें, और आप कलंक ना लगने दें अपने आप को कि ये मैं रोल बैक कराऊँ इसको मेरे आंदोलन से। और मैं अपने आंदोलन पर अडिग हूँ, मैं हटूंगा नहीं, तो जो भी मेरे समर्थन में जिनको अवार्ड मिले वो चुपचाप ओपन में आपके सामने आके बोले कि मैं अवार्ड मेरे समर्थन में वापस कर रहा हूँ, और अगर नहीं वो वापस करेंगे तो इन अवार्डों को फिलहाल हम वापस लेंगे, दोबारा स्क्रूटनी हो, सभी डिविजन्स को इन्वॉल्व किया जाए। और मेरे बाद आप किसी से महोदय से ये भी जरूर पूछे, किसी से महोदय का जवाब ये है कि हमने जो ये अवार्ड हमने डीएफओज को लिखा था और डीएफओ